अजिंक्य रहाणे के साथ आखिर में रविंद्र जडेजा भी थे। रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर बनाई 104 रन की नाबाद साझेदारी अभी भी जारी है। रविंद्र जडेजा का कंट्रीब्यूशन 40 रन का। अभी हम अजिंक्य रहाणे की बात कर रहे थे कि वो शायद फ्रंट पेज हेडलाइंस नहीं बनते और अंडर द रेडार चले जाते हैं। रविंद्र जडेजा बतौर बल्लेबाज, क्या उनके साथ भी ये होता है कभी कभी? बहुत बार होता है। आपने देखा है कि अजिंक्य रहाणे के साथ जडेजा ने बिन सेकंड न्यू बॉल बहुत अच्छे से खेला। अगर इतना आसान नहीं था, जैसे स्पेशली जब आप कमबैक कर रहे हो, आप मैचेस नहीं खेले हो, लेकिन जडेजा के साथ एक था कि यू नो वो कॉन्फिडेंस लेके आए। और पिछले सालों में टेस्ट क्रिकेट में भी अगर उनके नंबर्स देखेंगे तो लगातार ऊपर जा रहे हैं, लगातार 40 के ऊपर की उनकी औसत रही है। और अगर आपको 7 नंबर का बल्लेबाज अगर 40 के ऊपर की औसत से रन कर रहा है और वो आपको गेंदबाजी भी करके देता है तो टीम का बैलेंस बहुत अच्छी तरह से चेंज हो जाता है। और ऐसे कई बार ऐसे जो फेमस बिट्स एंड पीसेस वाली जो चीजें होती है वो बहुत काम कर जाती है और इससे बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने नहीं मिलेगी बार बार। बिल्कुल, बिट्स एंड पीसेस एंड लॉट्स ऑफ रन्स ये लेकर आए हैं रविंद्र जडेजा। लेकिन किस तरीके के कैरेक्टर है रविंद्र जडेजा पार्थिव? विराट कोहली की जगह आ रहे हैं इस टेस्ट मैच में, वैसे ही बड़ा दारोमदार था, बड़ा प्रेशर था और वैसे भी उनकी जगह पक्की नहीं रहती है, इन आउट रहते हैं वो। किस तरीके के कैरेक्टर हैं, कैसे कैसे लाते हैं इतना निश्चय अपने अंदर? स्पेशली सिर्फ बहुत लोग होते हैं, गिफ्टेड क्रिकेटर्स होते हैं, टैलेंटेड क्रिकेटर्स होते हैं, जिस जगह से आते हैं, जामनगर में छोटा सा शहर है वहां से आते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया टैलेंट है और टैलेंट को वो कैसे परफॉर्मेंस में तब्दील करना वो भी जरूरी होता है। आप खाली टैलेंट के बलबूते पे नहीं खेल सकते और वो चीज वो करके दिखा रहे। आप कई बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का परफॉर्मेंस भी देख लीजिए, आईपीएल का परफॉर्मेंस देख लीजिए, या फिर टेस्ट क्रिकेट में भारत में खेल रहे हो या बाहर भी। लास्ट ईयर भी जब मेलबर्न में जो टेस्ट मैच जीते थे वहीं पे भी रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस अच्छा था, सिडनी में भी बहुत अच्छा था। तो एक तरह से लाइवली कैरेक्टर है, उनका अलग अलग शौक है उनके, उनको जैसे हमने सबको पता है कि वो राजपूत वाले उनके शौक है, घोड़े दौड़ाना बहुत पसंद है उनको, तो वो सारी चीजें है और वो ग्राउंड पे भी आपको दिखता है कि एक बहुत सारी चीजें एक साथ लेके आते हैं और वो देख के बड़ा मजा आता है कि छोटी जगह से आते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करके जाते हैं।